मित्रों नमस्कार, मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो व्रत पर्व त्यौहार ज्योतिष कुंडली वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट कर दें। हम इसी तरह की प्रामाणिक वीडियो लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की कथा का आप श्रवण करेंगे। पुत्र को देने वाली, संतान को देने वाली यह पुत्रदा एकादशी कही गई है। जिन्हें संतान न हो, पुत्र न हो, उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह पुत्रदा एकादशी परम फलदायी कही गई है। भगवान नारायण की कृपा अवश्य होती है इस एकादशी के व्रत को करने से। पुत्रम ददाति पुत्रदा अर्थात पुत्रदा एकादशी पुत्र को देने वाली कही गई है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा तथा जरूरतमंदों को शेयर करना मत भूलिएगा। आइए बिना विलंब किए पुत्रदा एकादशी के व्रत कथा का श्रवण करने के लिए, महात्म की जानकारी के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवायो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राचीन काल में भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम शैब्या था। उनकी पत्नी पतिव्रता थी। राजा भी अपने प्रजा का हमेशा ध्यान रखते थे, परंतु उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी ने मंत्री को पूरा राजपाट सौंपकर वन को चले गए और संतान के दुख के कारण उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। अचानक उस जंगल में उन्हें वेद मंत्र का पाठ सुनाई दिया। कहीं से वेद मंत्र की ध्वनि आ रही थी। उसको सुनते हुए वह उस ध्वनि की तरफ बढ़ने लगे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि साधुओं का एक झुंड बैठा हुआ है। जहाँ ब्राह्मण हैं, साधु हैं, संत हैं, वहाँ वेद मंत्र का पाठ चल रहा है। उनके पास पहुँचने पर उन संतों ने, साधुओं ने, ब्राह्मणों ने जब उनकी कथा सुनी कि वे बहुत दुखी हैं, उन्हें पुत्र चाहिए, पुत्र की इच्छा से वे इतने दुखी हैं कि आत्महत्या करना चाहते हैं, तब उन्होंने उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत के विषय में बतलाया। उन साधुओं ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत के महात्म को बताया, इसको कैसे करना चाहिए, इसकी क्या कथा है, इसका क्या फल है। सारी विधि को जानकर राजा अपने महल को लौट आए। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही पौष माह में पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ने लगा। इसलिए जिन वैवाहिक जातकों को, जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं है, कोई बाधा है, संतान प्राप्त होने में बाधा है, उनके लिए यह व्रत अतीव उत्तम माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान अवश्य प्राप्त होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। आप इसे अन्य मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।